हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी की। एमसीसी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 234 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि महिला क्रिकेटर एमसीसी की प्रेसिडेंट होगी। इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही, और ये एमसीसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ऐतिहासिक दिन है आज का। और 234 साल के बाद पहली बार ऐसा होगा कि महिला क्रिकेटर एमसीसी की प्रेसिडेंट होगी। इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी देने की कोशिश आज मैं आपको करूँगा। क्लेयर कॉनर्स बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लैंड की कप्तान भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ज़बरदस्त खिलाड़ी भी रह चुकी है, और अब एमसीसी की तरफ से प्रेसिडेंट भी बनाई गई है। इसके अलावा बात की जाए तो साल 2009 में उनको मेंबर बनाया गया था एमसीसी में, और 12 साल तक वो मेंबर रही, उसके बाद उनको अब प्रेसिडेंट बनाया गया है। इससे पहले कुमार संगकारा एमसीसी के प्रेसिडेंट थे। कॉनर ने 1995 में डेब्यू किया था 19 साल की उम्र में, और साल 2000 में उनको कप्तानी भी दी गई थी, और ज़बरदस्त कप्तानी उन्हें की। और 42 साल के बाद पहली बार इंग्लैंड को एशेज़ में जीत दिला दी थी, और 1-0 से 2005 में उनको जीत दिला दी थी। यानी कप्तानी में भी बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की थी। और इसके अलावा बात की जाए तो अब एमसीसी की तरफ से प्रेसिडेंट भी बनाई गई है। कुल 16 टेस्ट मैच खेले थे, 502 रन बनाए थे। इसके अलावा बात की जाए तो 20 की एवरेज के साथ, और 93 ओडीआई मुकाबले खेले थे, 1087 रन बनाए थे 16 की एवरेज के साथ, और T20 दो ही खेले थे और 15 रन उन्हें बनाए थे। यानी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भी थी, और अब एमसीसी की तरफ से प्रेसिडेंट भी बनाई गई है।